हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 7 का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी किस तरीके से कंपनीज फॉर्म होती हैं। तो उसकी चार स्टेजेस को ही इस चैप्टर में बेसिकली अच्छे तरीके से क्लियर करा गया है। बिकॉज जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है वो किसी भी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो किस तरीके से कंपनीज फॉर्म होती हैं उसकी चार स्टेजेस हमने डिस्कस करी थी, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। तो पहली स्टेज प्रमोशन, जिस पर हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोशन के स्टेप्स क्या होते हैं, प्रमोटर के फंक्शंस क्या होते हैं, प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रमोटर की पोजीशन क्या है, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस करा। नाउ हमारी बारी अब सेकंड स्टेज को डिस्कस करने की। आज की वीडियो में हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी स्टेज डिस्कस करेंगे, यानी आपका पूरा जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे, उन पर हम आप लोगों को अलग वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रमोशन कर लिया। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में आप बोलिए तो आइडिया को सोचना, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, या कोई भी आइडिया जो है आपके दिमाग में है उस आइडिया को कंसीव करना, उस आइडिया को रियालिटी में कन्वर्ट करना का जो पहला स्टेप है वो है प्रमोशन, राइट। तो प्रमोशन मतलब आइडिया को कंसीव करना या आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, दैट इज व्हाट प्रमोशन। और जो पर्सन आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं उन्हीं को प्रमोटर कहा जाता है, राइट। तो कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया कि मुझे इस तरीके का बिजनेस खोलना है, या मुझे जैसे ओला उबर वाली जो सर्विस थी, उस पर्सन ने सोचा कि मुझे इस तरीके की सर्विसेज स्टार्ट करनी है, तो उसके दिमाग में जब ये आइडिया आया, ठीक है, तीन चार लोगों के साथ मिलकर जब उसे सोचा कि इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारे कैब ड्राइवर से बात करते हैं और कैब ड्राइवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं कि इस तरीके का जो भी होगा हमारी ऐप होगी और ऐप के थ्रू आप लोगों की बुकिंग मिलेगी, आपको हम कुछ कमीशन लेंगे, आपको आपकी जो है कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिलेंगे। तो जो आइडिया है उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रमोशन कहते हैं। चलिए, आपने पहला स्टेप ले लिया प्रमोशन, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन, जिसका सिंपल शब्द में मीनिंग होता है रजिस्ट्रेशन, राइट। इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी। अब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहती हैं, तो इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, वही हमने आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी पड़ेगी, राइट। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी डिटेल मांगी गई है वो आपने फिल करनी है। अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, दैट इज आवर सेकंड स्टेप। और इन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पर हमें डिटेल में स्टडी करना है, खास तौर पे ये दो डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है MOA, दैट मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। इसमें क्या चीज होती है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कंपनी अपने मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे रखेगी। तो जो मेन पांच चीजें होती है जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी कंपनी इट इज अ मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आता है AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी होंगे कंपनी के जो लोग होंगे, वो किन रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करेंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम के डॉक्यूमेंट में होते हैं। तो आपका MOA भी बन जाना चाहिए प्रमोशन के टाइम पर, आपका AOA भी बन जाना चाहिए प्रमोशन वाली स्टेज में, तभी आप ये डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराएंगे। तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी की लायबिलिटी और भी दो चार चीजें होती है जो कंपनी के बारे में आपको मेंशन करनी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखिए। तीसरा डॉक्यूमेंट, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। जब तक शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं हो जाते, यानी ये वाली स्टेज नहीं आती, तब तक कंपनी को कौन संभालेगा, तो जो भी आप लोगों के प्रपोज डायरेक्टर बनेंगे, यानी टिल देन जब तक कि भाई प्रॉपर जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट नहीं हो जाते, तब तक के लिए आपके पास जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके साइन होंगे, उनकी कंसेंट होगी, और वो ये भी चीज पर साइन करेंगे कि उन लोगों को डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने पड़ते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्वालिफिकेशन शेयर। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन शेयर, किसी भी कंपनी में अगर किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर की पोस्ट पे रहना है,
तो उसको हमेशा कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर खरीदने पड़ते हैं, यानी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको होना चाहिए कि 12th पास है, या फिर उसका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, या उसने MBA करा होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी पब्लिक कंपनी में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने हैं। क्वालिफिकेशन में वहां पर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ शेयर मेंशन होंगे कि आपको ये नंबर ऑफ शेयर खरीदने हैं। तो कंसेंट में ना उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं जिसमें वो एग्री करते हैं कि वी आर रेडी कि हम लोग इस कंपनी को डायरेक्ट करेंगे, इस कंपनी को मैनेज करेंगे, साथ ही साथ हम इन नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। क्यों इन लोगों को फोर्स किया जाता है शेयर खरीदने के लिए? क्योंकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है, देखिए पब्लिक इन्वेस्ट करती है पैसा, है ना, हर किसी का जो भी मेहनत का पैसा होगा, सेविंग्स होगी, वो इन्वेस्ट करी जाती है पब्लिक कंपनी के। तो पब्लिक से पूल होकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है पब्लिक कंपनी के, सब लोग अलग अलग जगह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से पब्लिक कंपनी में पैसा इकट्ठा हुआ। अब ये जो सारी पब्लिक है, ये जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, ये अलग अलग जगह पे बैठे हैं, ये कंपनी में जनरली इंटरफेयर नहीं करते, और ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की डायरेक्टर को संभालने के लिए दे देते हैं। अब ये डायरेक्टर कौन होते हैं? जैसे क्लास का मॉनिटर होता है तो वो क्लास का मालिक थोड़ा ना हुआ, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल उसी तरीके से इन्हीं लोगों ने अपने में से कुछ लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। तो ये लोग कंपनी को मैनेज करते हैं इन सभी लोगों के बिहाफ पर, तो ये अपना पैसा इन लोगों की जिम्मेदारी पर छोड़ देती है। तो इन लोगों के लिए मैंडेटरी होता है कि तुम भी शेयर खरीदो, ताकि कल को अगर पैसा इन्वेस्ट पब्लिक का किया हुआ है और तुम्हारा भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो तुम उस पैसे का ध्यान से इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। तो इसीलिए उनको क्वालिफिकेशन शेयर खरीदना कंपल्सरी होता है। इसके अलावा अगर कोई भी एग्रीमेंट्स हैं किसी भी पार्टी के साथ प्रमोशन की स्टेज पर, क्योंकि अभी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है तो एग्रीमेंट्स ही हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, तो किसी भी तरीके की पार्टी के साथ, सप्लायर्स के साथ, किसी भी तरीके के आपके जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए, क्योंकि प्रोफेशनल्स भी अपॉइंट हो जाती हैं प्रमोशन स्टेज में, हमने पढ़ा है उसके फंक्शंस में कि ये लोग CA ऑडिटर्स वगैरह अरेंज कर लेती हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, तो उनके साथ अगर कोई एग्रीमेंट हुए, किसी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट हुए तो उस एग्रीमेंट की कॉपी। इसके अलावा तो सबसे जरूरी चीज है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल डिक्लेरेशन, जिसमें ये साइन करा जाता है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट कर ली गई है, कंप्लाई कर ली गई है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी गई है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म प्लस ये जो आपके पास हमने 5 डॉक्यूमेंट डिस्कस करे, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सबमिट कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, फीस पे करेंगे जो भी नेसेसरी फीस है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का साइज, कंपनी के नेचर पर रजिस्ट्रार फीस बताएगा, वो फीस पे करनी है आपको। और फीस पे करने के बाद रजिस्ट्रार जो है, जो ऑफिस रजिस्ट्रार है, वो वेरीफाई करेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, चेक करेगा कि आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी, स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में जाके चेक करना, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो बहुत जरूरी होता है कि रजिस्ट्रार को बहुत ध्यान से इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्ट्रेशन का। तो वो सारी चीजें अच्छे तरीके से देखभाल करने के बाद, सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज करने के बाद, ध्यान से ऑब्जर्व कर डिटेल स्टडी करने के बाद, जब उसे लगता है कि सारे फैक्ट्स ठीक हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, एवरीथिंग इज ओके, तब वो फोर्थ स्टेज, फोर्थ पॉइंट में उन्हें क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। दैट इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एनी कंपनी। जैसे किसी भी इंसान का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उस पर जो डेट लिखी होती है वही मैटर करती है, बिल्कुल उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, इस पर जो डेट लिखी होगी, जो आपका जगह लिखी होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होगा, उसी नाम से कंपनी हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगी, राइट। कंपनी अगर चाहे तो बाद में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा सकती है, बट फिलहाल जब बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, जनरली आप देखिए अपने बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस नहीं होते इतनी आसानी से। इसी तरीके से एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो आपके पास कंपनी का बर्थ उसी डेट से मान लिया जाता है। क्लियर, हमारी अब हो गई सेकंड स्टेज तक कंप्लीट। फर्स्ट स्टेज हम पहले कर चुके थे, सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, जिसमें एप्लीकेशन हमने दी, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिए, फीस पे करी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखने के बाद, सारे लीगल रिक्वायरमेंट वेरीफाई करने के बाद, रजिस्ट्रार हमें जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देती है। तो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना प्रमोशन, जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना इनकॉर्पोरेशन। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो ये दो स्टेज के बाद वो अपनी कंपनी कमेंस कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि उसको इस स्टेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है फंड लेना पब्लिक से।
जबकि प्राइवेट कंपनी को तो पब्लिक से फंड चाहिए ही नहीं ना, उसके पास 5-6 लोग जो अच्छे हैं उन लोगों ने वैसे ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन और ये वाली जो स्टेज है इसमें उसको जरूरत नहीं है, यानी यहीं तक प्राइवेट कंपनी जो है वो चलती है और उसके बाद उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम थर्ड स्टेज पढ़ेंगे जो कि प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है। इससे पहले हम एक चीज बहुत जरूरी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है किसी भी कंपनी को, चाहे वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उसका इफेक्ट क्या होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो देखिए प्रमोटर की पोजीशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जो स्टेजेस है वो तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत कम लिखे हुए हैं अगर आप एनसीईआरटी के प्रस्पेक्टिव से बात करें या किसी बुक में बहुत कम लिखे हुए हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चों को इनका आंसर लिखने को नहीं आता। तो दूसरा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, अभी हमने लिख कर दिया था रजिस्ट्रेशन है ना, तो रजिस्ट्रेशन का जो ये सर्टिफिकेट मिलता है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये चार पॉइंट्स हमने लिस्ट करे, उनको ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट है द कंपनी इज लीगली बॉन्ड ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट इज COI, यानी जिस डेट पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रिंट कर दिया गया है उसी डेट पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी इनकॉर्पोरेशन माना जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आपने 6th जो है अक्टूबर को अप्लाई करा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, 8th अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन अगर उस पे 10th अक्टूबर ऑलरेडी मेंशन कर दी गई तो आप यही मानेंगे कि 10th अक्टूबर को ही उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। बेशक ये एक फ्लॉज है, बेशक ये गलती है, पर जो भी प्रिंटेड डेट उस पर है, जो भी डेट प्रिंट करी गई है या उस पर 8th अक्टूबर की डेट डाल दी गई, 6th को आपने अप्लाई करा था, 8th को ही आपको इशू हुआ और 8th को ही रजिस्ट्रेशन दिया गया, जो डेट प्रिंटेड है उसी डेट पर उसका बर्थ माना जाएगा। द कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन COI दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी डेट में चेंजेस को एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो डेट आपको नहीं लगती है तो फिर आपको अगेन जो है ये इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है उसे अप्लाई करना पड़ेगा, बट एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन जाता है तो जनरली उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है इट बिकम एंटाइटल टू एंटर एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जिस दिन से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है ना, जिस दिन कंपनी का बर्थ हो गया, यही तो है बर्थ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कंपनी पिक्चर में आ गई, इससे पहले सिर्फ प्रमोटर थी है ना, इससे पहले प्रमोटर्स थे और अभी कंपनी कॉर्पोरेट नहीं हुई थी, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, कंपनी का बर्थ नहीं हुआ था। अब यहाँ पर कंपनी का बर्थ हो चुका है तो अब कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो इस सर्टिफिकेट के बाद किया जाएगा, पहली बात तो वो वैलिड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कंपनी के बिहाफ पर एंटर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, यानी यहाँ पर आपके पास प्रमोटर लाइबल नहीं है, यहाँ पर कंपनी लाइबल हो जाएगी। कंपनी अब पिक्चर में आ चुकी है और कंपनी का बर्थ हो चुका है तो हर कॉन्ट्रैक्ट जो अब किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स के द्वारा किसी भी पार्टी के साथ वो कंपनी के बिहाफ पर करे जा रहे हैं। तो पहली चीज, जो डेट प्रिंटेड है उसी डेट पर कंपनी का बर्थ मान लिया जाएगा। दूसरी, इस सर्टिफिकेट के बाद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है और कंपनी के बिहाफ पर ही एंटर होंगे। थर्ड, COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है, बर्थ प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट इनफ होता है। अगर आपको कभी भी कहीं पर यह प्रूफ करना है कि आपका इस जगह पर इस डेट पे बर्थ हुआ था तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट इनफ एविडेंस होता है। बाकी एविडेंस जितने भी बनते हैं, हमारे पैन कार्ड या कोई भी और चीज़ है, वो उस बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही बनते हैं। तो सबसे कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है आप खुद बताइए, वोटर आईडी कार्ड या फिर अगर पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है या 10th की आपकी मार्कशीट मांगी जाती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस है ना, कंक्लूसिव मतलब फाइनल एविडेंस है, इसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं है आपको। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस हो चुका है irrespective of flaws, flaws मतलब कमियां, अगर कोई कमी रह गई रजिस्ट्रेशन में तो उस कमियों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है कि उस डेट पे रजिस्ट्रेशन है। किस तरीके की कमियों की यहाँ बात हो रही है, तो फ्लॉज में जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, उस पर अगर मान लीजिए 5 प्रमोटर्स के साइन होने थे जिसमें से एक डायरेक्टर या एक प्रमोटर के साइन फोर्ज कर दिए गए, फोर्ज मतलब होता है नकली सिग्नेचर कर दिए गए, किसी और ने कॉपी करके सिग्नेचर कर दिए, ये बाद में पता चलता है, तब भी जो रजिस्ट्रेशन है उसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। तो इस पर ना केस स्टडी में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आप मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जा रहे थे, वहां पर जो MOA है उस पर 5 में से एक डायरेक्टर नहीं प्रेजेंट हुआ था, उसके साइन किसी और ने कर दिए, तो अब क्या आप बर्थ सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन उठा सकते हैं।
तो इसका जवाब आपको तीसरे पॉइंट से मिल रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाए जाते, उसको कंक्लूसिव माना जाता है, उसको फाइनल माना जाता है। तो कई गलतियां होती है, जैसे भी डेट वाली गलती हमने बताई कि डेट मान लीजिए 10 लिख दी गई या फिर 9 लिख दी गई, 8 को इशू हुआ या 8 को लिख दी गई, तो कुछ भी ऐसा होता है अगर छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो इनको इग्नोर करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को फाइनल माना जाता है। कोई भी पार्टी बाद में आके कंप्लेन करती है कि ये चीज थी ये चीज थी, तो उन चीजों को इग्नोर करके उसको सर्टिफिकेट को ही फाइनल माना जाता है। सिर्फ एक रेमेडी अवेलेबल है, अगर कंपनी रजिस्टर ही इलीगल ऑब्जेक्ट से हुई, उसका ऑब्जेक्ट इलीगल था, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उसको मिल गया है ना, सब कुछ जो था वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बाद में अगर ये प्रूफ होता है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल, तब ज्यादा से ज्यादा आप कंपनी के बाइंडअप की बात कर सकते हैं, यानी जैसे बर्थ होता है डेथ ही हो सकती है बर्थ के बाद, तो बिल्कुल वही बात है, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया, अब आप बाइंडअप कराने के लिए जो है वो रेमेडी मांग सकते हैं। रेमेडी मतलब होता है इसके बदले में आप सिर्फ यही आपके पास ऑप्शन बचती है, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन नहीं होगा, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ, फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि एक बार बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया तो वो इशू ही मान लिया जाता है। अगर कंपनी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इलीगल ऑब्जेक्ट है या कुछ अलग तरीके से इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि कंपनी के वाइंडअप की रिक्वेस्ट करी जा सकती है, रेमेडी करी जा सकती है कोर्ट में जाकर, बट सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से, राइट। ये हमारा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे कि आपके पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसके बाद आपकी फाइनल स्टेज होती है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर स्टेजेस खत्म हो जाएंगे और फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए हमारे पास फिर से डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज क्या होती है। सबसे पहले प्रमोशन होता है, प्रमोशन मतलब होता है आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। इनकॉर्पोरेशन मतलब जो आइडिया है अब आप क्या कराना चाहते हैं, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के बाद अब आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन और उसका प्रोसेस हमने अभी अभी पढ़ा। अब हमें पब्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो अब हमें फंड चाहिए और वो फंड रेज करना है आपने पब्लिक से, फंड फ्रॉम पब्लिक। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कैपिटल, मतलब आपको बताइए किसी भी बिजनेस में जब अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर होता है, जो पैसा ऑनर लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्राइब का मतलब है कि पब्लिक से पैसा जो है लेना अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, क्लियर। तो आपके पास क्या प्रोसेस होता है पब्लिक से पैसा लेने के लिए, तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सेबी कौन होती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी कंपनीज पब्लिक को पैसा सॉरी शेयर्स इशू करके पैसा लेती हैं, शेयर्स वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे जिसमें तीन टाइप के हम जो है सोर्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है। इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा ले सकते हो आप, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा ले सकते हो और डिबेंचर के थ्रू जो पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है, राइट। ये तीनों तरीके की पेमेंट्स जो है वो आप पब्लिक से ले सकते हो। फर्क क्या होता है, आप समझ लीजिए तीन टाइप की टिकट है, जैसे आप मूवी हॉल में जाते हैं तो तीन अलग अलग कलर की आपके पास तीन अलग अलग टाइप के आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट होती है, राइट। एक महंगी टिकट होगी, एक थोड़ी सस्ती होगी, बिल्कुल उसी तरीके से इनका फर्क है, ठीक है। अब मान लीजिए कि तीन टाइप के लोग हैं, एक है आपके पास रिस्क टेकर, इक्विटी शेयर ये होते हैं रिस्क टेकर, बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है। एक होते हैं डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर खरीदने वाले, ये रिस्क अवर्सर होते हैं, ये बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। और बीच में होते हैं आपके पास प्रेफरेंस शेयर, ये रिस्क न्यूट्रल होते हैं। क्या मतलब है इनका, देखिए हर तरीके के इंसान अपने अपने नेचर पर डिपेंड करता है, कोई भी तरीका हो इन तीनों में से, इन तीनों तरीके से कंपनी के पास लोन आ रहा है, पैसा आ रहा है, यानी फंड आ रहा है, राइट। अब डिबेंचर वाले क्या कहते हैं कि आपको हम लोन देने को तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोन ले लीजिए, लेकिन पहली शर्त ये है डिबेंचर होल्डर की कि एक तो हम अपने लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटी लेंगे, कुछ गिरवी रखेंगे, दूसरा हमें अपने लोन पे इंटरेस्ट चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सेफ गेम खेलते हैं, ये रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इनको आपके प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जो लोन दिया है उस पर इनको इंटरेस्ट चाहिए, ये डिबेंचर होल्डर होते हैं। काम क्या किया इन्होंने, लोगों आपको लोन दिया, पर्पल कलर की टिकट जो खरीदेंगे वो डिबेंचर होल्डर्स होंगे, ठीक है ना, ऐसे हमने अजम्पशन के तौर पे लिया। अब जिन्होंने पर्पल कलर की टिकट खरीदी वो रिस्क अवर्सर है, कंपनी को लोन भी दिया, ठीक है, कंपनी से कागज ले लिया प्रूफ के तौर पे, दैट इज नोन एज डिबेंचर, और बदले में कंपनी सिक्योरिटी ले ली और ये भी कह दिया कि हमें अपने लोन पे इंटरेस्ट चाहिए, हमें आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं,
दूसरी तरफ ये दो कैटेगरीज होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों ही कंपनी के ऑनर है, क्योंकि शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। तो जितने भी लोग कंपनी में हिस्सेदारी करेंगे वो कंपनी के ऑनर कहलाएंगे असली वाले। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही कंपनी के ऑनर, लेकिन इक्विटी शेयर असली वोटिंग राइट रखता है। बिकॉज ये जब कंपनी को पैसा देता है, यानी उधार देता है यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज में, तो ये बहुत ही क्लियर कर देता है कि ये मेरी कंपनी, अगर ये पैसा डूबा तो नुकसान मेरा, और अगर कंपनी को फायदा हुआ तो फायदा मेरा। तो ये पूरे तरीके से रिस्क लेने को तैयार है। तो ये है आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर। इसका पैसा तभी वापस करा जाएगा जब कंपनी बंद होगी। तो डिबेंचर बिल्कुल सेफ खेल रहा था, भाई मुझे तो मेरे पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट से मतलब है आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन इक्विटी शेयर बिजनेस के रिस्क में बिलीव कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने पैसा लगा दिया, अब मुझे बस उस पर प्रॉफिट चाहिए, वापस मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, बट मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो वो मेरा होगा, डिसीजन मेकिंग मेरी होगी। बीच में बैठा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये रिस्क न्यूट्रल है, ये डिबेंचर भी नहीं बनना चाहता, इक्विटी भी नहीं बनना चाहता, तो ये प्रेफरेंस बन गया। इसने क्या कहा कि मैं डिबेंचर से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ बट इक्विटी से थोड़ा कम। तो ये भी शेयर होल्डर ही है, इसने भी कंपनी को लोन दिया, लेकिन बदले में ये प्रॉमिस कर लिया कि मुझे काम करो कि 10% हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, प्रॉफिट का हिस्सा, लोन का हिस्सा नहीं। अब जब प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है तो उसको डिविडेंड शब्द से बुलाया जाता है। तो जब आप इंटरेस्ट देते हैं लोन पर, जो आप फिक्स अमाउंट ऑफ दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट मांगते हैं, लेकिन ये दोनों ही शेयर होल्डर प्रॉफिट में अपनी भागीदारी मांगते हैं, जिसको बोला जाता है डिविडेंड, लाभ में हिस्सा, लाभ में प्रॉफिट, सॉरी लाभ में शेयरिंग होगी। ठीक है, तो पैसा भी कंट्रीब्यूट करते हैं और लाभ में भी हिस्सा। इसका नाम प्रेफरेंस क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, फॉर एग्जांपल जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट चुकाते हैं लोन, फिर आपकी कंपनी के पास बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स चुकाते हो, फिर आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को उसका हिस्सा दिया जाता है डिविडेंड के तौर पर, और बाकी जितना भी बचता है वो सारा का सारा इक्विटी का है। अब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा बचे तो इक्विटी का बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत कम बचे तो इक्विटी को कम मिले। तो इक्विटी पूरा रिस्क टेकिंग सिनेरियो में है, बहुत ज्यादा बचेगा तो सबसे ज्यादा इसी को ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि इक्विटी बनना तो नुकसानदायक चीज है, ऑनर बनना कैसे नुकसानदायक चीज हो सकती है, अल्टीमेट फाइनल जो बड़ा प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और बड़ा लॉस भी आपका होगा, है ना। तो आपके पास ये तरीके होते हैं कंपनी जब लोन लेती है, यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन में इन लोगों को शेयर्स इशू करे जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पब्लिक इन्वॉल्व होती है, पब्लिक का पैसा आता है कंपनी के पास, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करे, है ना। रजिस्ट्रेशन में तो कंपनी ने ध्यान दिया ही दिया, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, गवर्नमेंट अथॉरिटी ही होती है रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके अलावा सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है कंपनी को, कंपनी जितने भी ये लोग शेयर खरीदते हैं, खासतौर पर हम शेयर की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग एक शेयर खरीदते हैं आपके पास, इस शेयर का पैसा कंपनी लाइफ टाइम वापस नहीं करती। प्रेफरेंस का तो फिर भी वापस हो जाता है, लेकिन इक्विटी का तभी वापस हो जाता है जब कंपनी बंद होगी। अब मान लीजिए कि इनको अगर कहीं पर भी अपने शेयर बेचने हैं, पैसा चाहिए अभी शेयर होल्डर को, मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और मुझे पैसे की जरूरत है, तो कंपनी तो वापस करेगी नहीं। तो आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस बने हुए हैं, सेकेंडरी मार्केट आप बोल सकते हो, जहां पर जाकर ये शेयर होल्डर अपने शेयर बेचकर जब मर्जी पैसा ले सकते। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इतना लंबी गाना जो भी हमने बताया आपको, इसके लिए आपको पहले सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो सभी स्टॉक मार्केटिंग को कंट्रोल करती है, कंपनियों को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला अप्रूवल आपको सेबी से लेना पड़ेगा, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश कर रखा है, जिसका काम ये है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, किसी भी तरीके से जो ये कंपनीज होती हैं वो इन इन्वेस्टर्स को हार्म ना पहुंचाए, इसको एश्योर करना। तो सेबी से अप्रूवल लेना सबसे पहला काम। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस फाइल। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसके थ्रू एक बुकलेट भी हो सकती है, एक नोटिस भी हो सकता है, एक एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, कोई भी जरिया जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें, उस डॉक्यूमेंट को, उस सर्कुलर को, उस एडवर्टीजमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो उसकी जो कॉपी है वो कॉपी भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी। तो सबसे पहले सेबी का आपने अप्रूवल लिया, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करा। उसके अलावा आपको बैंकर्स और ब्रोकर्स अपॉइंट करने। अब बैंकर्स किस लिए चाहिए, जो भी पेमेंट आपको ऑल ओवर इंडिया या बाहर से इन पब्लिक के थ्रू कंपनी में आएगी, बहुत लोग फैले हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो उनसे पैसा कलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल होगा ना, लेकिन अगर आप बैंक अपॉइंट कर देंगे तो पैसा ऑनलाइन आपके पास बैंकों में आ जाएगा, तो दैट वुड बी यू नो इजी। तो इसीलिए बैंक अपॉइंट करने पड़ते हैं कि कौन कौन से बैंक कंपनी के होंगे जहां पर कंपनी फंड लेगी, और जब प्रॉफिट होगा तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर या इंटरेस्ट कैसे देगी, तो बैंक अपॉइंट करना। इसके अलावा ब्रोकर्स अपॉइंट करना। ब्रोकर क्या होते हैं, कभी कभी कंपनी को पैसा टाइम से जल्दी चाहिए,
अब पब्लिक के साथ टाइम लगेगा इशू करने में, कोई 2 शेयर मांग रहा है, कोई 50 शेयर मांग रहा है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो कई बार ब्रोकर्स जो होते हैं वो कंपनी का काम आसान कर देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में आसानी करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ब्रोकर का काम है, कमीशन चार्ज करता है और शेयर होल्डर और कंपनी की मीटिंग कराता है, मतलब कंपनी इनको बेच देगी, आगे ये अपने आप शेयर्स जो हैं वो पब्लिक तक पहुंचाते रहेंगे, कंपनी के पास पैसा टाइम से पहुंच गया। ठीक है जी, सबसे पहले आपने सेबी का अप्रूवल लिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश करी है, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराया। प्रोस्पेक्टस क्या है? वो एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू आप पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हो, तो उस एडवर्टीजमेंट को रजिस्ट्रार देखता है कि उसमें कोई फ्रॉड स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टर को कहीं पे हार्म तो नहीं पहुंचाया जा रहा, क्योंकि पब्लिक को सेव करना, अपने सिटीजन को सेव करना हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने प्रोस्पेक्टस सबमिट कराया, फिर कंपनी ने अपने बैंकर्स और ब्रोकर अपॉइंट करे, इसके बाद आप प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू कर दो, क्योंकि रजिस्ट्रार ओके कर देगा आपका प्रोस्पेक्टस, फिर आप वो एडवर्टीजमेंट या वो नोटिस या फिर वो बुकलेट जो भी है वो आपने इशू कर दिया। इशू करने के बाद आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, यानी आपके पास पैसा आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैंने छोटा बताया ये करोड़ों में ही होता है, छोटी मोटी कंपनी नहीं होती पब्लिक कंपनी, तो कंपनी एक्ट ने कह रखा है, कंपनी एक्ट 2013 जो है वो ये कहता है कि कम से कम 90% आपके पास आपकी रिक्वायर्ड मनी का आना चाहिए। अगर ये नहीं आया, इसी को बोला गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर ये नहीं आया तो आपको ये सारे पैसे पब्लिक को वापस करनी है और दोबारा फ्रेश आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। तो 50 लाख का 90% कितना होगा, 90% कितना होगा, 45 लाख। अगर कंपनी के पास 45 लाख से 1 रुपया भी कम आएगा तो ये सारा का सारा, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन था इतना तो आना ही चाहिए था आपके पास, नहीं आता तो आपको ये प्रोसेस जो है फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इससे ज्यादा आता है, 45 लाख 46 लाख, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 90% कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब कर। अब आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने आप से 95% भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई इससे नीचे आएंगे तो हम पैसे रिफंड कर देंगे, तो ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन कंपनी एक्ट ने ये डिफाइन कर रखा है कि 90% तो आपके पास आना ही चाहिए, यानी 50 लाख अगर आप मांग रहे हैं तो उसका 90%, अगर आप 10 लाख मांग रहे हैं तो उसका 90% आपके पास फंड आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इतना लोन चाहिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, 50 लाख का लोन आप मांगने जा रहे हैं, अगर आपको उसका 90% भी नहीं मिल रहा तो आपका तो काम ही नहीं होगा ना, इसीलिए कंपनी एक्ट ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन तय कर रखी है, यानी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक से आपके पास मिनिमम जो आप मांग रहे हैं उसका 90% आना चाहिए। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी अप्लाई करती है। अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जब आप कंपनी के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर बाय कर लेंगे, राइट, तो आपको पैसा, प्रेफरेंस का तो फिर भी वापस हो जाता है लेकिन इक्विटी का पैसा कभी भी वापस नहीं। अब मान लो किसी भी इंसान ने कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रखे, अब वो चाहता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो कंपनी तो मना करेगी, कंपनी कहेगी भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगी आपका, आपको पता है इक्विटी शेयर का तो फीचर होता है, आप तो ऑनर है, आपका पैसा तो वापस करा नहीं जाएगा, आपका पैसा तो कंपनी बंद होने पे वापस करा जाएगा। तो एक जगह है स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंज बने। ये आप समझ लीजिए जैसे सेकंड हैंड मार्केट होती है ना, तो सेकंड हैंड मार्केट जहां जाकर जो ये शेयर होल्डर था जिसने ये शेयर खरीदा था, जब भी इसको पैसे की जरूरत होगी इसको बेच सकता है और कोई और इन्वेस्टर इससे बाय कर लेगा, तो इसके पास पैसे आ गए और इसका शेयर जो चला गया, तो इसको जब मर्जी पैसे की जरूरत हो ये स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। और ये तभी होगा जब कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, यानी वहां पर उस कंपनी का नाम हो, तभी वो शेयर होल्डर उस स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। इसीलिए कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम, उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, तभी उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस सेकंड हैंड मार्केट में सामान अपना शेयर बेच सकते हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग मिल गई, आपका नाम वहां रजिस्टर्ड हो गया, अब तो आपके शेयर होल्डर आप पर पूरा विश्वास करेंगे और आपको पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कल को उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी सेकंड हैंड मार्केट है, यहाँ जाकर मैं अपना शेयर बेच दूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर फाइनली आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर अलॉट कर देते हैं और वो शेयर बाय भी आपसे कर लेते हैं। तो ये था आपके पास पूरा प्रोसेस कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो गई, आपने शेयर भी अलॉट कर दिए, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, MOA, AOA, सारे डॉक्यूमेंट्स और ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन का पूरा डिटेल फिर से आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हैं। रजिस्ट्रार सारी चीजों को देखता है कि लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, सारी चीजें कंप्लीट हुई,
फिर वो आपको एक और सर्टिफिकेट इशू करता है, दैट इज सेकेंड सर्टिफिकेट, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और उसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस अगर आप पब्लिक कंपनी के परस्पेक्टिव से बात करेंगे। तो आपको आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, और हमेशा इसको ऐसे ही याद रखिए कि आपके पास, और आप भी एक चार्ट बनाइए जिसमें प्रमोशन का भी पूरा प्रोसेस लिखा, इनकॉर्पोरेशन का भी, ताकि आपका एक से दो पेज में नोट्स बनकर तैयार हो जाए, और आप जब इसके डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से समझ लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपकी सजेशन हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवेक क्लासेस।